कोसी नगर में निकली काठिया बाबा की शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। कोसी कला से ब्रज विदेही चतु संप्रदाय के महंत स्वामी संत रास बिहारी दास काठिया बाबा के निर्देशन में यहां पहुंची ब्रज 84 कोस यात्रा प्रत्येक पड़ाव को दैवीय अनुभूति से सींच रही है। यात्रा के रविवार को यहां पहुंचने पर पूरा नगर कृष्णमय हो उठा। ब्रज यात्रा के दो दिवसीय पड़ाव के दूसरे दिन मंगलवार को लगभग शाम 4 बजे साधुओं की भव्य शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ हुई। कोसी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई ग्याला ट्रास पर पहुंची अनेक साधु बैंडबाजों की मधुर धुनों के आगे नाचते गाते चल रहे थे। यात्रा में साधु अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन कर सभी को मोह रहे थे। यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल, भाजपा नेता तरुण सेठ, कमल किशोर वार्षणेय एवं नगर के समाज सेवी साधु संतों की जगह जगह सेवा एवं सत्कार करते हुए नजर आए। धार्मिक नगरी में हर साल काठिया बाबा की यात्रा आती है। दो दिवसीय प्रवास कोसी कला में रहता है। इस धर्म नगरी में काठिया बाबा की यात्रा के आगमन के बाद 2 दिन बाजार के माध्यम से भोजन प्रसादी कराई जाती है। 1 दिन अपने समाज सेवी करते हैं और 1 दिन हलवाई करते हैं। यानी कि कोसी कला में आज इसका द्वितीय दिवस है और यहाँ भोजन प्रसादी कैलाल धर्मशाला में कराई जा रही है। सभी भक्तजन बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ बाबा महाराजों को प्रसादी का ग्रहण कराते हैं। जिला में हलवाई संघ के द्वारा आज जयलाल ट्रस्ट में काठिया बाबा जी की यात्रा आई है, जिसमें हलवाई संघ के द्वारा प्रसादी की व्यवस्था सभी संतगणों के लिए करी गई है और उन्हें बहुत अच्छा स्वरूप की राशि दी गई है। तो कई लोगों के द्वारा भी यहाँ पर कुछ अच्छा स्वरूप सामग्री भी वितरित की गई। आप देख रहे हैं कई हजारों की तादाद में यह साधु संत उपस्थित हैं जो प्रसादी का आनंद पा रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के। और मैं हमको वैसे भी हमारा कोसी कला उत्सव नगरी में रामलीला का भी समय आ चुका है और ये शुभ कार्य अब प्रारंभ हो चुका है और अब कोसी कला में बड़ा उत्सव लगभग परसलाभ तक रहेगा। मेरे सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामना है और उन सब का भी वंदन अभिनंदन करता हूँ जिसमें इन्होंने हलवाई संघ के सभी पदाधिकारियों और जो भी सदस्य जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वो सभी भी आभार के पात्र हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।